तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट मैच के बारे में। आप सभी लोगों को पता होगा यहाँ पर आज से यहाँ पर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला था। तो और यहाँ पर फाइनली यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर पहले दिन का खेल भी समाप्त हो चुका है। तो पहले दिन भाई क्या क्या हुआ है ना वो मैं आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आप लोग यहाँ पर देखोगे ना भाई बांग्लादेश ने यहाँ पर भाई शुरू में जो ही यहाँ पर बॉलिंग दिखाई है ना, अगर मैं यहाँ पर मतलब यहाँ पर अगर मेनली अगर बात करूँ ना तो हसन महमूद है ना भाई, उन्होंने यहाँ पर मतलब भाई बांग्लादेश को मतलब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया था। और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना मतलब 34 पर 3 हो गई थी। और यहाँ पर अगर मैं 3 विकेट्स की बात करूँ ना तो रोहित शर्मा, शुभम गिल और यहाँ पर विराट कोहली जैसी 3 यहाँ पर बल्लेबाज आउट होकर चले गए थे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना मतलब 144 पे यहाँ पर 6 विकेट्स गिर गई थी। लेकिन उसके बाद से भाई जो यहाँ पर मतलब की पारी को संभाला है ना रविंद्र जडेजा और यहाँ पर जो रविचंद्रन अश्विन है ना भाई, उन्होंने यहाँ पर मतलब की 144 के बाद से यहाँ पर मतलब जो यहाँ पर संभाला है ना मतलब यहाँ पर अब आप लोग यहाँ पर देखोगे ना स्टंप्स होने तक ना मतलब 339 रन बन चुके हैं। और यहाँ पर अभी 6 ही विकेट्स हैं। यहाँ पर मतलब रविचंद्र अश्विन है ना वो यहाँ पर मतलब 102 रनों पर नॉट आउट खेल रहे हैं। और यहाँ पर जो रविंद्र जडेजा है ना वो 86 रनों पर नॉट आउट खेल रहे हैं भाई। मतलब अगर मैं यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना मतलब अगर हम लोग यहाँ पर इन दोनों भी पारियों को हटा देना भाई कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाए। हम लोग यहाँ पर जयसवाल ने मतलब 56 रन बनाए हैं और यहाँ पर जो पंत है ना उन्होंने यहाँ पर मतलब 39 रन बनाए हैं। लेकिन यहाँ पर मतलब जो बांग्लादेश की यहाँ पर बॉलिंग थी ना भाई वो शुरू में तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी नज़र आ रही थी। अगर भाई उसको ये कंटिन्यू करते ना तो भाई शुरू लग रहा था मतलब जो 144 पे मतलब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना जो 144 पे यहाँ पर 6 विकेट्स गिर गए थे लग रहा था यहाँ पर 200-250 पर सिमट जाएगा। लेकिन यहाँ पर मतलब 339 हो चुके हैं यहाँ पर मतलब आज का खेल समाप्त हो चुका है। और यहाँ पर जो बांग्लादेश है ना वो भी यहाँ पर मतलब यहाँ पर इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। और यहाँ पर मतलब जो स्टम्प्स होने तक ना भारत यहाँ पर अच्छी खासी स्थिति में, अगर यहाँ पर मतलब इसके बाद अगर ये 60-70 रन और जोड़ लेते हैं मतलब 400 के आसपास अगर स्कोर पहुँच जाता है ना यहाँ पर पहली पारी का तो यहाँ पर इनफ हो जाएगा बांग्लादेश के लिए। क्योंकि आप लोग यहाँ पर जो बॉलिंग अटैक देखोगे ना जो भारत ने यहाँ पर बांग्लादेश के लिए फर्स्ट टेस्ट मैच में रखा है ना, आपको यहाँ पर मोहम्मद सिराज देखने को मिल जाते हैं, आकाशदीप और के साथ साथ आपको यहाँ पर बुमराह भी देखने को मिल जाते हैं। मतलब भाई जो बॉलिंग है ना वो भाई अनबिलीवेबल होने वाली है। तो देखते हैं यहाँ पर इस मैच में क्या रहने वाला है। तो क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्रिक जोन को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।